आज हम दो विषय आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं। एक संक्षिप्त वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 5 सदस्यीय खंडपीठ के निर्णय के बाद, एक महत्वपूर्ण विषय पर श्री पीएल पूनिया और पीसीसी प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ आपको संबोधित करेंगे। ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टुडे हैज सेट असाइड एंड क्वॉश्ड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट तलाक और तलाक ए बिद्दत विच बाय इट्सेल्फ वॉज एन एबरेशन एंड एन एडल्ट्रेशन ऑफ तलाक देयर बाय रिकॉग्नाइजिंग द प्रिस्टीन फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम that abhors any exploitation. The verdict is an affirmation of the rights of Muslim women and gives relief to them against being subjected to discrimination by a practice that had been perverted over the years. We welcome the acceptance of this reality by the court and we welcome the verdict of the Supreme Court. Several interveners, including amicus curiae, as also the Muslim Personal Law Board, had pleaded before the Supreme Court against the practice of instant triple talaq or talaq-e-biddat by speaking it instantly 3 times on the ground that it deviated from the practice prescribed by Islamic law and has no sanction either in the Quran or in the Hadith, the 2 main sources of Islamic jurisprudence. Court, by majority of 3-2, has also upheld the fact that personal law of communities are protected under Article 25 of the Constitution and cannot always be strictly tested on the touchstone of Part 3 of the Constitution. Supreme Court's verdict is a culmination and acceptance of this wider wisdom, as also recognition of the rights of Muslim women. We welcome the same. Even earlier, Congress Party had said that we will await the decision of the Supreme Court and that should be acceptable to everyone. I think Supreme Court had decided fairly and adequately and has spoken well, and it should be accepted by all. To put it very briefly in Hindi, Supreme Court ki 5 sadasiya khandpeeth ne aaj ek aitihasik nirnay mein triple talaq ya talaq-e-biddat को खारिज करने का हम स्वागत करते हैं। ट्रिपल तलाक अपने आप में इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध है, क्योंकि इस्लामिक मान्यताएं भेदभाव और शोषण का को सिरे से खारिज करती हैं। इस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बहाली हुई है, जो वर्षों से भेदभाव, शोषण और अन्याय की शिकार रही। हम अदालत द्वारा मुस्लिम महिलाओं के साथ किए गए इस तर्कपूर्ण और न्यायपूर्ण फैसले का स्वागत करते हैं। अनेकों याचिकाओंकर्ताओं द्वारा कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा भी ये दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई कि ट्रिपल तलाक या तलाक-ए-बिद्दत, यानी 3 बार एक समय में बोला गया तलाक, इस्लाम धर्म की मुख्य धारा के खिलाफ है और अधिकतर इस्लामिक देशों में भी इसकी मान्यता नहीं। इसकी मान्यता ना कुरान शरीफ में है और ना हदीथ में, जो 2 इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की मुख्य धाराएं हैं।
अदालत ने बहुमत से यह भी निर्णय किया कि भिन्न भिन्न पर्सनल लॉज यानी राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 संविधान के अंदर दिया गया है उसे हमेशा आप स्ट्रिक्टली चैप्टर 3 के आधार पर उसका आकलन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय उस वाइडर विजडम की रिकॉग्निशन है जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय संगत व्यवहार की वकालत की गई थी। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस न्याय संगत और तर्क संगत निर्णय से अब सब पक्ष सेटिस्फाइड भी होंगे और इस पूरे विवाद का पटाक्षेप भी हो जाएगा। वी विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑन दिस इशू एंड अदर इशूज बट आई विल रिक्वेस्ट बिफोर दैट देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से स्कैंडलेस एंड शॉकिंग न्यूज एमिनेटिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड आई विल नाउ रिक्वेस्ट श्री पी एल पूनिया to say a few words on the issue. बहुत बहुत धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ एक दूर दराज का प्रदेश है और कभी कभी हम लोग ये आवश्यकता महसूस करते रहे हैं कि देश की राजधानी में उन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए जो उस क्षेत्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आत्मा को झकझोर देता है। अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनेक गौशालाएँ की गई जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष उसमें अनुदान दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की द्वारा संचालित ये सभी अधिकांश गौशालाएँ हैं। अभी पीछे एक हरीश वर्मा नाम के भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी 3 गौशालाएँ थी, 350 गायें मरी वहाँ पर मिली गई और इसके बारे में जब मामला उठाया गया जगह जगह पर हर जनपद में छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में तो कांग्रेस जन के खिलाफ अनेक मुकदमे दर्ज कर दिए गए और छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो बहुत ही सामान्य नहीं है। वही पहला प्रदेश है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप मुख्यमंत्री के स्वयं के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, उनके लड़के के खिलाफ, जो वर्जिन आइलैंड में अकाउंट रखने का, और जब ये मामला उठाया गया विधानसभा में 11 दिन का सत्र बुलाया जाता है और जब ये मामला जोर शोर से उठाया गया भ्रष्टाचार ना केवल मुख्यमंत्री बल्कि अन्य मंत्री जिसमें बृजभुवन अग्रवाल भी, जिसमें फॉरेस्ट की लैंड को फर्जी बैनामा करा के और उसमें रिजॉर्ट बनाया जा रहा है, जब ये मामले उठाए गए तो उसका जवाब देने के बजाय वहाँ सत्र को तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दिया गया और आप लोगों ने देखा होगा कि उसके विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक यहाँ पर आए थे और जंतर मंतर पे जनसभा भी का आयोजन किया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी से भी बात करना चाहते थे क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी बल्कि प्रजातंत्र की हत्या, संविधान को पैरों तले कुचलने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया और ये विषय ऐसा था कि जो आपके सामने अवश्य रखा जाना था। ये अलग बात है कि एक और विषय आ गया जो जिसका उल्लेख चेयरमैन साहब ने किया, लेकिन फिर भी इस दूरदराज इलाके के महत्वपूर्ण इस विषय के ऊपर भी चर्चा करनी अनिवार्य समझी गई और मैं अनुरोध करूंगा
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल जी से कि वो विस्तार से इस बारे में चर्चा करें। नमस्कार साथियों, पिछले वर्ष 13 अगस्त 2016 में कांकेर जिला के गौशाला में 100 से अधिक गायें मरी पड़ी थी। सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता रहा है और इस साल 16 अगस्त को भी 3 गौशालाओं में 350 से अधिक गायों की मौत हुई है। और जिस प्रकार से अभी पुनिया जी ने बताया कि हर साल बजट में 517 करोड़ रुपया इस साल के बजट में रखा गया, गौ सेवा आयोग के द्वारा भी इस साल 22 करोड़ रुपया अनुदान में बांटा गया। और उसके बाद स्थिति ये है कि गायों को जो गौशाला हम लोग निरीक्षण करने गए थे राजपुर में, वहाँ जो गायों की स्थिति है, बहुत छोटी सी जगह में 600 से अधिक गायों को रखा गया था। जो गायें बैठी थी वो खड़ी नहीं हो सकती और जो खड़ी थी वो बैठ नहीं सकती, ये स्थिति वहाँ की रही है। और वहाँ न एक मुठा चारा था, न एक बूंद पानी था, और वैसे ही बिना पानी चारा के मरने के लिए छोड़ दिया गया। जो गाय जिंदा थी उसे भूसे के ढेर में डाल दिया गया था, दबा दिया गया था ताकि वो मर जाए। मरने के बाद खाल तो बेचा ही जाता है, हड्डी भी बेच दी जाती है, और जो मांस है उस पीछे के तालाब है जिसमें थाईलैंड के जो मोंगूर जो मछली है जो मांस खाती है उसको खाने के लिए डाल दिया जाता है। तो एक तरफ सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के जामुल के नगर पालिका के उपाध्यक्ष हरीश वर्मा, सरकार के द्वारा अनुदान, और उसके बाद गायों को इस प्रकार से तड़पा तड़पा के मारने की घटना पूरे छत्तीसगढ़ से आंदोलित है। और इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि ये देश का सबसे बड़ा चारा घोटाला है, जो हर साल 2004 से गौ सेवा आयोग का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है और हर साल सैकड़ों करोड़ का बजट रखा जाता है और हजारों के तादाद में गायें और बछड़े मर जाती है। तो ये सबसे बड़ा घोटाला के रूप में सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग गाय के माध्यम से जहां वोट लेते रहे हैं, अब नोट छापने का भी काम और कमीशनखोरी का काम वो लोग कर रहे हैं। We are issuing a comprehensive statement on behalf of PL Punia ji and the PCC president on the issue, and will be on your mail.